कहा कि कैसा ये पर्युषणा महापर्व। सात दिन साधना के है और आठवां दिन सिद्धि का है। सात दिन आपके तन को आपने जो तैयार किया, सात दिन आपके मन को आपने जो तैयार किया, सात दिन आपके भीतर को आपने जो तैयार किया, सात दिन आपकी अंतरात्मा को आपने जो तैयार किया, वो तैयारी परिपूर्ण होकर के आठवां दिन वो सिद्धि का दिन है, कुछ पाने का दिन है, कुछ प्राप्त करने का दिन है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बराबर समझ लेना, आठवां दिन वो सिद्धि का दिन है और सात दिन वह साधना के दिन है। सात सात दिन से हम अपने मन मस्तिष्क को तैयार कर रहे हैं कि संवत्सरी महापर्व आएगा, आठवां दिन आएगा और आठवें दिन हमें हृदय से बड़े सरल बनना है, हृदय को साफ करना है, हृदय को शुद्ध करना है, हृदय को स्वच्छ बनाना है। और वह आठवां दिन यानी शुद्धि का दिन, आठवां दिन यानी सिद्धि का दिन। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये परिश्रम महापर्व अद्भुत है। एक के बाद एक बातों को हम सुनते समझते जा रहे हैं। प्रेम का पर्व या पर्युषणा महापर्व, प्राप्ति का पर्व या पर्युषणा महापर्व, प्रेरणा का पर्व या पर्युषणा महापर्व, पुरुषार्थ का पर्व या पर्युषणा महापर्व, प्रसन्नता का पर्व या पर्युषणा महापर्व, एक के बाद एक दिन हम समझते जा रहे हैं। और आज बात करनी है प्रार्थना का पर्व यानी पर्युषणा महापर्व। हम प्रभु को प्रार्थना करते हैं और यह दिनों में की हुई प्रार्थना हमारे लिए फलदायी बनती है, क्योंकि यह दिनों में हमारा मन अच्छा होता है, हमारा मन धर्म से जुड़ा हुआ होता है, हमारा तन तप से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि बराबर समझना, यह दिनों में की हुई प्रार्थना निश्चित फलदायी बनती है। और इसलिए कहा गया कि पर्युषणा महापर्व यानी प्रार्थना का पर्व। प्रभु का प्रार्थना करने का अवसर है। बाकी के दिनों में जाकर के हम प्रभु से प्रार्थना करते हो न करते हो, लेकिन ये पर्युषणा महापर्व का अवसर ऐसा है जहां जाकर के प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु से विनंती करनी है, प्रभु तक हमारे हृदय के भावों को पहुंचाना है। और इसीलिए कहा गया कि पर्युषणा महापर्व यानी प्रार्थना का। और समझ लेना, प्रार्थना क्यों यह दिनों में करनी, क्योंकि आपका मन धर्म से जुड़ा हुआ है, आपका तन तप से जुड़ा हुआ है, आपका धन दान से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपका तन मन और धन तीनों यह दिनों में पवित्र होता है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि यह दिनों में की हुई प्रार्थना निश्चित ही फलदायी बनती है। प्रार्थना करनी तो क्या करनी है, कहा तीन तरह की प्रार्थना करनी। जाना परमात्मा के पास और जाकर के प्रार्थना करना, प्रभु तीन विनंती मेरी स्वीकार कर लो, तीन प्रार्थना का स्वीकार कर लो। पहली प्रार्थना, प्रभु जीवन में सद्बुद्धि बनी रहे, ये पहली प्रार्थना परमात्मा से। प्रभु संपत्ति नहीं होगी तो चलेगा, सामग्री नहीं होगी तो चलेगा, सुविधाएं नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन परमात्मा आज के दिन मैं आपसे तीन प्रार्थना करने के लिए आया हूं। और वह तीन प्रार्थना में पहली प्रार्थना यह है, प्रभु सद्बुद्धि बनी रहे, जीवन का कोई भी अवसर आए, जीवन की कोई भी स्थिति आए, जीवन की कोई भी पल आए, लेकिन सद्बुद्धि हमेशा बनी रहे, ये प्रभु से प्रार्थना करें। और कहा कि सद्बुद्धि क्यों, उसका प्रत्युत्तर देते शास्त्रकार भगवत ने कहा कि सुख में यदि तुझे स्थिर रहना है तो सद्बुद्धि चाहिए, वरना तो सुख में स्थिर नहीं रह पाएगा। जैसे जीवन में सुख आएगा तो उछल कूद करने लगेगा, ये कर लू, ये कर लू, ये कर लू, लोगों को दिखा दू, लोगों को सुना दू, लोगों को समझा दू, लोगों को पता चल जाए कि मुझे ये प्राप्त हुआ है, मुझे ये मिला है। जब भी तेरे जीवन में सुख आएगा तो उछल कूद करने लगेगा, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि सद्बुद्धि होगी तो सुख में भी तू स्थिर रह पाएगा, संपत्ति तेरे जीवन में आएगी, उछल कूद चालू हो जाएगी, ज्ञान तेरे जीवन में आएगा, उछल कूद चालू हो जाएगी, नामना तेरे जीवन में आएगी, उछल कूद चालू हो जाएगी। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं परमात्मा से प्रार्थना ये करना, प्रभु सद्बुद्धि बनी रहे, क्योंकि सद्बुद्धि बनी रहेगी तो सुख में भी स्थिर रह पाओगे।
तथा दूसरी प्रार्थना परमात्मा से प्रभु समता बनी रहे, प्रभु जीवन की कठिन से कठिन विकट से विकट परिस्थिति आ जाए लेकिन समता बनी रहे प्रभु, ऐसी कामना करता हूं, ऐसी प्रार्थना करता हूं। परमात्मा महावीर के जीवन को हमने देखा, हजार तरह के लोग थे सामने, कभी कोई देव उपसर्ग करता है, कभी कोई प्राणी उपसर्ग करता है, कभी भंवरे आकर के प्रभु के देह के ऊपर बैठते हैं, कभी ऊपर से देव आकर के प्रभु को कष्ट देता है, कभी यह मनुष्य उपसर्ग करता है। हजार तरह के लोग सामने थे लेकिन प्रभु के पास एक ही ताकत थी, मात्र मात्र समता, और एक ताकत की वजह से प्रभु ने हजारों लोगों को जीत लिया। हजार तरह के क्वेश्चन सामने थे, हजार तरह के कष्ट सामने थे, हजार तरह की विकट परिस्थितियां सामने थी लेकिन परमात्मा के पास एक ही ताकत थी, समता की, और वह समता को चलते, समता को भीतर में धारण करते हुए परमात्मा ने सभी को जीत लिया, सभी को हरा दिया और खुद को जीत लिया। यह ताकत समता के भीतर है, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमात्मा से तीन प्रार्थना करना, मांगना परमात्मा से, प्रभु जीवन में तीन चीज तो चाहिए, उसके बिना मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। सद्बुद्धि मांग लेना, सुख में स्थिर रह पाओगे, समता मांग लेना, दुख में भी स्थिर रह पाओगे। सद्बुद्धि यदि आपको सुख में स्थिर रखती है तो समता आपको दुख में भी स्थिर बनाती है। मैं कई बार कहता हूं कि आपके जीवन में दुख आए या न आए ये आपके हाथ में नहीं है, समझ लेना। आपके जीवन में दुख आए या ना आए ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको दुखी होना है या नहीं होना ये आपके हाथ में है। आप तय कर सकते हो कि मुझे दुखी होना है या नहीं होना, दुख आएगा या नहीं आएगा ये आपके हाथ में नहीं है। कोई कर्म किए होगे तो तकलीफ आएगी, कोई कर्म किए होगे तो पीड़ा आएगी, कोई कर्म किए होगे तो परेशानी आएगी, कोई कर्म किए होगे तो मुश्किल आएगी, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कान खोल के सुन लेना, दिलो दिमाग में ये सूत्र बसा देना, जीवन में दुख आएगा या नहीं आएगा ये आप तय नहीं कर सकते, लेकिन जीवन में आप दुखी होगे या नहीं होगे ये आप तय कर सकते। सुख और दुख और कुछ भी नहीं है, अपने मन के भावों का नाम है, मन की परिस्थितियों का नाम है। मन जब अनुकूल परिस्थितियों में होता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है, और मन जब प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है तो हमें दुख की अनुभूति होती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुखी होना या सुखी होना ये आपके हाथ में, संसार में और किसी के ऊपर मत डालना। मैं इसकी वजह से दुखी हो गया, इसकी वजह से मुझे तकलीफ हुई, इसकी वजह से मुझे पीड़ा हुई, इसकी वजह से मुझे परेशानी हुई, ये दिमाग में से हटा देना। कोई आपको दुख दे सकता है लेकिन कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। दुख जरूर दे सकता है कोई, आप राह पे चल रहे हो, कोई राह पे कांटे बिछा सकता है, लेकिन कांटे खा करके भी आपके भीतर ये ताकत परमात्मा ने दी है कि मुख के ऊपर प्रसन्नता बनी रहे, ये ताकत मनुष्य के पास है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई आपको निश्चित तौर पर दुख दे सकता है लेकिन दुखी नहीं कर सकता, दुखी होना या नहीं होना ये आपके हाथ। प्रभु सद्बुद्धि देना, सुख में स्थिर रह पाऊ, प्रभु समता देना, दुख में स्थिर रह पाऊ, और तीसरे नंबर में प्रभु से मांगना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु स्वीकार भाव देना। कहा कि जीवन की कोई भी कंडीशन, कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं उसका स्वीकार कर लूं सहजता से, उसमें मुझे कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, जो हो जाए वह अच्छे के लिए, यह भावना भीतर में चलती रहे। प्रभु स्वीकार भाव देना, प्रभु जीवन में परिस्थितियां चाहे अच्छी आए चाहे बुरी आए, चाहे कितना ही बुरा मेरे साथ घटित हो जाए लेकिन स्वीकार की भावना दे देना। कुछ चला गया तो भी स्वीकार भाव, कुछ मिल गया तो भी स्वीकार भाव। एक छोटी सी चीज घूम जाती है, आदमी परेशान हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है उसका पूरा जीवन। कोई व्यक्ति जीवन में से चला जाता है, आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कोई निकट का विश्वासघात कर लेता है, आदमी भीतर से टूट जाता है।
कभी समय ऐसा हो जहाँ संपत्ति बहुत ज्यादा थी, कभी समय ऐसा आ जाए कि अब संपत्ति खाने के भी पैसे नहीं है, आदमी भीतर से टूट जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमात्मा से मांग लेना, प्रभु स्वीकार का भाव दे देना, जीवन की चाहे कोई भी अवस्था आ जाए, जीवन की चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्वीकार का भाव होगा तो आप बच पाओगे। स्वीकार का भाव किस लिए? कहा कि मन जब भी उद्विग्न हो उस समय स्थिर बनाए रखने के लिए स्वीकार भाव चाहिए। सुख में स्थिर रहना हो तो सद्बुद्धि चाहिए, दुख में स्थिर रहना हो तो समता चाहिए, और मन की उद्विग्नता में भी स्थिर रहना हो तो स्वीकार भाव चाहिए। बराबर समझ, ये पर्युषणा महापर्व, ये प्रार्थना का पर्व है, और इन दिनों आप जाना परमात्मा के पास, और परमात्मा के पास जाकर प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु से विनंती करना, प्रभु से निवेदन करना, प्रभु ये 8 दिन पर्युषणा महापर्व के है, मैं आपके दर पे आया हूं और कुछ मांगना है, 3 प्रार्थना करनी है, प्रभु ये प्रार्थना मेरी परिपूर्ण हो जाए, ऐसा कुछ आपको करना है। कौन सी 3 प्रार्थना करनी है? पहले नंबर में प्रभु से कहना है प्रभु सद्बुद्धि देना, क्योंकि सुख में स्थिर बन पाऊं। प्रभु समता देना, दुख में भी स्थिर बन पाऊं। और प्रभु स्वीकार भाव देना, मन की उद्विग्नता में, मन की अशांति में भी मैं हमेशा स्थिर रह पाऊं। सद्बुद्धि यदि आपके पास है तो आपके पास चाहे कितना सुख आ जाए लेकिन आप स्थिर रह पाओगे। समता यदि आपके पास है तो आपके जीवन में कितना दुख आ जाए फिर भी आप स्थिर रह पाओगे। और स्वीकार का भाव यदि आपके पास है तो आपका मन कितना ही अशांत हो जाए लेकिन फिर भी आप स्थिर रह पाओगे। ये ताकत ये 3 प्रार्थना के भीतर है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं ये पर्युषणा महापर्व प्रार्थना का पर्व है। जाना प्रभु के पास और जाकर के 3 प्रार्थना कर देना। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।